हम रुके हैं दुनिया के सबसे हाईएस्ट पेट्रोल पंप पर। नमस्कार, दुनिया के सबसे ऊंचे गांव हिक्किम से। हाय गाइस, आई एम एट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस एट हिक्किम एंड इट इज एट 4,440 मीटर्स। कम आई विल शो यू द विलेज। होमिक से तो आई थिंक थोड़ा नीचे है क्योंकि वहाँ कहीं से हम आए थे, पर ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है वो काफ़ी ऊंचाई पर है, विच इज़ 4,440 मीटर्स। ये है एक ट्रेडिशनल हाउस, तो इसमें आपको ये लकड़ी के ब्लॉक्स दिख रहे हैं, पिलर्स। तो ये पिलर्स से प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उसके ऊपर जैसे टीन लगा दिया और फिर उसके ऊपर काउडंग ताकि पानी अंदर ना जाए और गर्मी बनी रहे। काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी है यार पहाड़ों में। अब देखो, पहले के ज़माने में फ़ोन तो होते नहीं थे, तो चिट्ठी भेजते थे और चिट्ठी भेजने के लिए आपको चाहिए पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस जैसे आसपास के विलेज हो गए। अभी हम इससे पहले दो विलेज में गए थे, तो कॉमिक हो गया और लांगजा हो गया, तो वहाँ के लोगों को भी इधर ही आना पड़ता था। काफ़ी सांस चढ़ जाती यार, इतनी हाइट है 4,400-4,500 मीटर की, वहाँ पे चलना आदत नहीं है मुझे, तो इसलिए मैं काफ़ी हाफ रहा हूँ। मैं पिछले एक महीने से सोलन में हूँ, विच इज़ 1,500-1,600 मीटर्स, बट 3,000 का एलिवेशन जस्ट इन अ डे, बिग एलिवेशन, इसलिए काफ़ी हाफ रहा हूँ। पता नहीं पोस्ट ऑफिस किधर है, बट लेट्स कीप वॉकिंग। ओके, फाइनली रीच डाउन टू द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। आज है संडे तो डेफिनेटली बंद है, अंदर नहीं जा सकते। दैट्स हाउ इट लुक, इट्स 172114 इट्स पिन कोड एंड दैट इज द पोस्ट ऑफिस। ये यहाँ पर एक कैफ़े है आई थिंक जो बंद है, ये लोगों के घर हैं, वही काउडंग और थोड़ी मिट्टी और पत्थर एंड लकड़ियों से बनाया हुआ प्लेटफॉर्म, एंड देन उसके ऊपर की है बढ़िया सीलिंग। तो पहले के ज़माने के घर हैं, इनमें ज़्यादा हाइट नहीं होती थी, लाइक अभी इफ यू विल सी, मेरे ख्याल में हजमार के साथ 8 फीट का ही घर होगा। वैसे ही पोस्ट ऑफिस है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, इफ यू कैन सी द गेट। या सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द विलेज हिक्किम। और जाट बॉय भी हिम्मत सी करके नीचे उतर ही आया। नाइस ना जाट बॉय, गोबर से पोत रखे हैं घर, जैसे हमारे हरियाणा में भी होता था, गोबर प्लस मिट्टी। और छत बनाने के लिए लकड़ के पिलर और लकड़ के फट्टे, ये हैं यहाँ की देसी गाटर टुकड़ी। सोलर लाइट, क्योंकि यहाँ लाइट की समस्या हो सकती है, काजा में तो कल रात से सुबह तक आई ही नहीं थी। चलते हैं ऊपर, लेट्स गो बैक टू काजा, थोड़ा काजा घूमेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे शाम को 5:30 बजे के करीब की मोनेस्ट्री की साइड, वहाँ जाके अपना टेंट गाड़ेंगे, रात को वहीं रुकेंगे और मजे करेंगे। जी ये है काजा, हम लोग वापस काजा पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम थोड़ी शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग बोले तो ब्रेड, अंडा, बेसिक नीड्स, यू नो, और उसके बाद हम यहाँ से एक गांव जाएंगे। हमें वो गांव ऊपर से दिख रहा था तो काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में, नदी का किनारा और ये सब, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस गांव में जाया जाए और थोड़ा गांव में भी टाइम स्पेंड कर लेते हैं। पहले सोचा था कि लंच है जो वो स्पीति में कर लेंगे किसी कैफे में, फिर हमने सोचा कि लेट्स प्रमोट बजट ट्रैवलिंग, और हमें वो अच्छा स्पॉट भी दिख गया गाँव, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे उस गाँव में नदी के किनारे, और नदी के किनारे हम अपना टेंट लगाएंगे, अपना टेबल सेट करेंगे, अपना चूल्हा लगाएंगे और वहाँ पे खाना बना लेंगे ब्रेकफास्ट, और फिर वहाँ थोड़ा सा आराम करके हम लोग निकलेंगे की मोनेस्ट्री की तरफ। आज हम की मोनेस्ट्री घूमेंगे नहीं, आज सिर्फ हम वहाँ जाएंगे, अपना टेंट सेट करेंगे और टेबल टूबल लगाएंगे और डिनर की तैयारी करेंगे। ये है काजा शहर। ब्रेकफास्ट कितनी बार करते हैं? ब्रेकफास्ट बोल दिया क्या मैंने? तो हम अभी लंच करेंगे और की मोनेस्ट्री जाके डिनर करेंगे,
और कल सुबह भी ब्रेकफास्ट की मॉनेस्ट्री से ही होगा। बढ़िया शॉपिंग हो चुकी है, हमने ले लिए एक अंडे की पूरी ट्रे, 30 अंडे, 2 ले लिए वाई वाई के पैकेट, 2 ब्रेड के पैकेट और 1 क्रीम रोल का पैकेट। मज़ा आ गया है। अब हम यहाँ से जाएंगे काजा में से, और हम लोग जाके जो गांव है उसका नाम मैं अभी वहाँ पहुँच के बता दूंगा देखकर मैप पर, और वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हम अपना टेबल लगाएंगे, चूल्हा लगाएंगे और करेंगे कुकिंग एंड देन लंच। आप लोगों को काजा शहर दिखाने के लिए हम थोड़ा शहर के अंदर आए हैं। यहाँ SBI ATM है, तो ध्यान रहे कि आप यहाँ से ही कैश विड्रॉ कर लें, क्योंकि यहाँ पर कार्ड, फ़ोन पे कुछ भी नहीं चलता। एक और इम्पॉर्टेंट बात, काजा में और स्पीति वैली में सिर्फ जियो का ही इंटरनेट चलता है, एक्चुअली जियो के ही नेटवर्क आते हैं। तो अगर आप इधर आएँ तो ध्यान रहे कि आपके पास एक जियो की सिम हो, क्योंकि जाट बॉय के पास जियो का सिम है तो मैं जाट बॉय से हॉटस्पॉट मांग मांग कर गुजारा कर रहा हूँ, और बीच बीच में इंटरनेट चला पा रहा हूँ, और कॉल करने के लिए तो जियो का ही सिम यूज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट डेली नीड्स की सारी दुकानें हैं, लोकल लोग हैं जो यहाँ से ही शॉपिंग करते हैं। एज यू कैन सी, यहाँ फ्रूट की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, एक यहाँ पर नाई की भी दुकान है, लेफ्ट साइड में ठेका है अगर आपको सप्लाई चाहिए तो, और सामने है द हिमालयन कैफ़े जहाँ हम रुके थे, और ये एक और उससे थोड़ा सा आगे आके एक स्पॉट है जहाँ पर काफ़ी कैफ़ेज़ हैं और काफ़ी होम स्टेज हैं, और आप यहाँ गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो यू कैन स्ट्रेट अवे कम टू दिस स्पॉट, ये हिमालयन कैफ़े के लेफ्ट में बिल्कुल आगे जाके है। अब थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड चलकर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है। तो ये जो छोटी सी जगह है, यहाँ पर एक मेडिकल का स्टोर है, अगर आपको कोई दवाई चाहिए तो, जैसे सुबह मैंने कॉम्बी फ्लेम ली थी और डिस्प्रिन ली थी। तो अभी लेफ्ट चलते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट में क्या है। भाई जी इधर से की जाना है तो उधर से रास्ता है। अच्छा, यहाँ से नहीं है। ओके सर, थैंक यू। तो लेफ्ट साइड में एस सच कुछ ऐसा था नहीं, आगे से रोड बंद था, तो हमें की जाना था तो हमने सोचा सीधा ही रास्ता निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं मेन मार्केट की जगह, जिस चौक से हमने लेफ्ट लिया था, और वहाँ से ही वापस निकल जाएंगे जिस रास्ते हम आए थे। लेफ्ट में आपको नदी दिख रही है, ये है स्पीति नदी, और हम लोग इसकी दूसरी वाली साइड जा रहे हैं रंगरीक गांव में। तो इफ़ यू कैन सी, थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा होगा, छोटे मोटे घर, वो है रंगरीक गांव। और इसको क्रॉस करने के लिए एक लकड़ी का छोटा सा ब्रिज है, जिसको हम क्रॉस करके रंगरीक गांव में पहुँच जाएंगे। वैली में जो गांव था उसके नीचे ही, इधर नदी बह रही है तो हम नदी के ही बह रहे हैं, और वो सामने दिख रही है की मॉनेस्ट्री, और यहाँ हमने गाड़ी कर दी है पार्क। यार यहाँ पर ये इतने सारे घास फूस है कि हम इन्हें क्रॉस ही नहीं कर सकते, तो हम यहाँ 5-10 मिनट बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं और नदी की हल्की हल्की आवाज़ सुन रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे की मॉनेस्ट्री की साइड और लगाएंगे अपना टेंट। काफ़ी सुंदर है, क्योंकि हम दोनों ने दो दो खा लिए थे क्रीम रोल, तो हमारा गया था पेट पर, तो इसलिए हमने यहाँ चूल्हा नहीं लगाया और कुछ बनाया नहीं। हमने सोचा है कि क्यों ना की मॉनेस्ट्री ही चला जाए, ताकि वहाँ पर हम टेंट गाड़ सकें, और फिर सुबह की मॉनेस्ट्री घूमते हुए चिचम होते हुए हम चंद्रताल चले जाएंगे।
तो इसमें हमारा समय भी बच जाएगा और थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड प्लान भी होगा। तो अभी हम जा रहे हैं वापस गाड़ी की ओर, एंड आई नो आपको मुश्किल से ही मेरी आवाज़ सुन पा रही होगी, यहाँ हवा बहुत तेज है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लुक एट दिस अमेजिंग। और भाइयों, बिल्कुल नदी की जड़ में हमने गाड़ी लगा दी है। ये है स्पीति वैली और ये है स्पीति नदी। हमारी मौत का प्रमाण होता, जो हम बच गए हैं। वी सर्वाइव्ड इट।